हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी अपना ध्यान रखने की, घर पर रहने की, अच्छा खाने की, हेल्दी फूड खाने की एंड थोड़ा बहुत योगा करने की। हम लोगों ने भी हम तीनों ने ही थोड़ा बहुत योगा करना अब स्टार्ट किया है मॉर्निंग में। पहले तो मैं करती थी जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी, फिर बीच में मेरा योगा बिल्कुल बंद हो गया था। बट चूंकि अभी ना ये वॉक हो रही है, कुछ नहीं हो रहा था, अभी मैंने मतलब हम लोगों ने थोड़ा योगा स्टार्ट किया है। ब्लश ऑल दो हम लोगों को योगा नहीं करने देता है, ना ही नीचे बैठने देता है, ना ही जंप करने देता है, मतलब अगर कुछ वार्म अप या एक्सरसाइज के लिए। बट स्टिल हम थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे, क्योंकि उसको हम लोग अभी बांधते नहीं हैं। एक ही ऑप्शन है, उसको बांध दो थोड़ा सा तो फिर वो करने देगा, बट अभी हम उसे बांधते नहीं हैं। मे बी आगे देखते हैं, या तो शायद वो धीरे धीरे यूज टू हो जाएगा कि ये लोग नीचे बैठ के योगा वोगा करते हैं। क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं हम लोग तो वो पपी बाइटिंग देने लगता है, आकर के ऊपर चढ़ने लगता है, उसके नेल्स इतने शार्प हो रहे हैं कि मेरे पूरे लेग में उसके नेल्स के निशान हुए पड़े हैं, लेग में, इनफैक्ट हैंड में भी। अगर मैं आपको दिखाऊंगी, क्या पता दिखे, ये तो मेरा कढ़ाई से जला है ये तीन, और यहाँ पर एक उसके नेल का निशान है, फिर इधर पर एक नेल का निशान है, मतलब बहुत सारे निशान है उसके नेल्स के। इस हैंड में भी दिख रहा होगा कि नहीं, आई डोंट नो, ये बहुत सारे निशान हो रहे हैं। हाँ, और मैं क्या बोल रही थी, मुझे कमेंट आया था लास्ट व्लॉग में कि क्या मैं मल्टीविटामिंस ले रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने मल्टीविटामिंस कंटिन्यू रखा हुआ है, हम दोनों ने, क्योंकि कोविड की वजह से मल्टीविटामिंस बहुत ज़रूरी है बॉडी में जाना, कोविड से रेजिस्टेंस के लिए, कि आप थोड़ा बच सको, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उससे। तो मल्टीविटामिंस हम लोग ले रहे हैं ये नॉर्मल केमिस्ट की शॉप से। मैं आप लोगों को नाम वाम नहीं बताऊंगी फिलहाल, बिकॉज फर्स्टली दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, एंड सेकेंडली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और फिर आप लीजिए। बट अभी अच्छा समय है, मल्टीविटामिंस आपको अपने डाइट में रखना चाहिए। तो मल्टीविटामिंस प्लस विटामिन सी की टेबलेट्स दो दो दिन में ले सकते हैं आप। तो देखो, भले ही हम कितने भी फ्रूट्स और बाकी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करके रखा है, बट टेबलेट्स कुछ अलग ही काम करती है। जितने की हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत है, बहुत हद तक फुलफ़िल टैबलेट से हो पाता है, फ्रूट से फुलफ़िल नहीं हो पाता। तो जस्ट अभी मैंने शार लिया है और ये शर्ट पहनी है मैंने, ये शी इन से आई थी आई गेस, मुझे तो बहुत लूज़ है। बट अभी क्या है, गर्मी है ना, तो ऐसे लूज़ से टी शर्ट, और कहाँ रखूँ यार, अब इतने कपड़े हैं मेरे पास में और रोज़ रोज़ एक ही एक ही कपड़े, मैं अभी बोर हो गई हूँ, पहनो फाड़ो ऐसा सोचा है। तो इसलिए आज मैंने ये पहन लिया। बस अभी कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत, मैं अभी लंच बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है। आज मैंने थोड़ा लेट नहाया बिकॉज आज मुझे ब्लश के सारे टॉयज धोने थे, बहुत गंदे हो रहे थे, देन मैट्स वगैरह धोनी थी थोड़ी बहुत, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें धोनी थी जो नहाने के पहले ही धोना ज़रूरी होता है, मतलब नहाने के पहले ही धोना चाहिए, एंड सुबह सुबह मुझसे वो हो नहीं पाता। तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर उसके बाद इसके सारे टॉयज़ हाथ से धोए, मशीन में नहीं डाले, बहुत गंदे हो रहे थे, इसके सारे टॉयज़ धोए, मैट्स वगैरह धोई, आज इसकी अच्छे से ग्रूमिंग की, मतलब अच्छे से इसका स्पंज बाथ और कोम वोम सारी चीज़ें, तो आज बहुत ही नीट एंड क्लीन सा हो रहा है। मेरी चेयर के पीछे बैठा हुआ दिखाऊंगी अभी आपको, सो गया, उसकी फेवरेट जगह। क्या होता है, वीक डेज में हस्बैंड यहाँ पर बैठ करके काम करते हैं ऑफिस का, तो वो यहीं उनकी चेयर के नीचे आकर के बैठता है। तो अभी तो मैं यहाँ बैठी हूँ, तो वहाँ नीचे आकर के वो बैठा नहीं, ऑलमोस्ट सोने की उसमें पोजीशन में। सो क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। हाँ, तो ब्रेकफास्ट हो गया है इन शॉर्ट, और अभी मैं लंच थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, थोड़ा बहुत काम निपटाना है मुझे, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आज अपना काम शुरू कर रही हूँ। मतलब मन बनाया है कि अब थोड़ा यूट्यूब का काम कंटिन्यू करूँ, मतलब बहुत दिनों से मैंने ब्रेक लगा रखा था, कर ही नहीं रही थी, मैंने वीडियोज़ भी बहुत दिन से पोस्ट नहीं किए, तो अभी थोड़ा बहुत कुछ कुछ करूँगी। अभी ये देखिए, ये चेयर के पीछे ऐसे आ करके सो जाता है, और इतना घुस के सोया है, व्हील्स वाली चेयर है, इतना अलर्ट रहना पड़ता है कि अगर थोड़ी भी चेयर आगे पीछे हुई तो उसके ऊपर चढ़ जाएगी। भरोसा है और क्या, उसको भी भरोसा है कि ये लोग नहीं चढ़ाएंगे मेरे ऊपर, तभी तो ऐसे एकदम कोंटे घुपचे में आके घुस के सोया है। सो यहाँ पर चेयर के नीचे सो रहे हैं सर, वो देखिए। और बताइए आप लोगों का सब कैसा चल रहा है, मुझे कमेंट करके बताना। एंड अभी बहुत अच्छे से आज हम लोगों ने घर पूरा क्लीन किया है, कल मैंने अपने किचन को थोड़ा अच्छे से क्लीन किया, ये सारी चीज़ें। आज मैं बनाऊँगी गिलकी की सब्ज़ी, रोटी, यही रहेगा सिंपल आज का खाना रहेगा, बिकॉज
लास्ट 2-3 डेज से बहुत हैवी खाना खा रहे हैं हम लोग. हैवी बोले तो थोड़ा मसाला वाला खाना, तो आज एकदम सिंपल खाना रहेगा. लंच रेडी है, ये रोटी बनाई है मैंने, देन चटनी आम की, ये वो गिलकी की और चने दाल की सब्जी, एंड ये कल की सब्जी बची थी बैंगन की, तो ये अभी हम लोग एंजॉय करने वाले हैं. फिर लंच के बाद हम लोग थोड़ा सा बटर मिल्क पियेंगे, मैंने बना करके फ्रिज में रख दिया है. इजी वे है यार, बना करके फ्रिज में रख दो और फिर जब मन करे तब पी लो. तो हम लोग दिन में एक दो बार तो पी ही लेते हैं. तो लंच के वैसे दही रखी हुई थी, बट अभी इतनी सारी चीज़ें हो गई थी ना कि ऐसा लगा अब दही क्या लेना. हाँ, सो लंच वगैरह करके हम लोग अभी जस्ट मूवी देखने वाले हैं, देखने वाले हैं, देख रहे हैं, इन बिटवीन है, तो मैंने अभी लाइट ऑन किया आप लोगों से बात करने के लिए. हम लोग देख रहे हैं द बिग बुल, जो अभी अभिषेक बच्चन की आई है ना मूवी. अच्छी मूवी है, टाइम पास है. और क्या है, अभी तो जो मूवी आ रही है ना हम वो मूवी, जैसे अभी वो सायना भी आई थी कल, हम लोगों ने सायना देखी, एंड सत्ते पे सत्ता वो पुरानी मूवी वो भी देख डाली. फिर अभी अभिषेक बच्चन की आई थी, सो वी थॉट कि आज दोपहर में ये निपटाते हैं अभिषेक बच्चन वाली. सो बस ये मूवी निपटा रहे, अभी तक तो अच्छी लगी है, रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवीज देखने में और मजा आता है. तो बस वही देख रहे हैं. और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूंगी, ये जो रूम है ना हमारा, ऑल दो इसमें एसी लगा हुआ है इसलिए ये रूम हमारा फेवरेट है, हम यहीं पर रहते हैं, बट दूसरे रूम्स के कंपेरिजन में ये रूम ज़्यादा ठंडा होने का एक रीज़न बताते हैं, हम लोगों ने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है. अगर आप देखेंगे तो ये विंडो में ना जो ब्लैक शीट्स आती है ना वो क्राफ्ट वगैरह करने के लिए बड़ी वाली, वो ब्लैक शीट्स हम लोगों ने पूरी विंडो में लगा दी है. 6 शीट्स लगी हैं दोनों तरफ की विंडोज़ को कवर करने में, और ऊपर से फिर ये कर्टन ऐसा लगा देते हैं तो पता नहीं चलता. इससे क्या होता है, पूरा ब्लैकआउट हो जाता है रूम, जैसे कि मैं अभी आपको लाइट ऑफ करके दिखा रही हूँ. अरे ये देखिए लाइट ऑफ कर दी है, आफ्टरनून का टाइम है, तो एकदम मस्त ब्लैकआउट हो जाता है, रूम ठंडा रहता है एंड अच्छा है. तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ऑल्दो ये जो हमारा कर्टन है ये ब्लैकआउट ही है, बट और अच्छा ब्लैकआउट हो जाता है ये करने से, और ठंडा रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है. चलिए मैं मूवी इन्जॉय करती हूँ, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद. किचन बना रही हूँ मैं डिनर में आज बिल्कुल डिफरेंट, अप्पे बन रहे हैं क्योंकि अप्पे खाने का मन था, और ब्रेकफास्ट में थोड़ी जल्दबाजी रहती है तो अप्पे मैं नहीं बना पाती, तो ये रवा अप्पे बना रही हूँ मैं विथ वेजिटेबल्स. और आज मैंने वैसी वाली चटनी नहीं बनाया, मैंने थोड़ा सा ठेचा टाइप की चटनी बनाई है जिसमें फलीदाना है, रेड चिली और ग्रीन चिली है, और थोड़ा सा लहसुन है. तो ये वाली चटनी आज मैंने बनाई है, देखते हैं कैसी बनती है. मैंने बहुत पहले कॉलेज टाइम पर ऐसा इस टाइप की चटनी खाई थी, वो बहुत टेस्टी होती थी, मुझे नहीं लगता मेरी वाली इतनी टेस्टी बनी होगी, बट अप्पे के साथ ही खाई थी तो मैंने इसलिए सोचा कि ट्राई करती हूँ. तो अप्पे आई थिंक इतना और बेटर बचा है तो 2-3 बार के और बन जाएगी. ये मैंने मॉर्निंग में एक भिगो दिया था, जो रवा है ना उसे दही और मतलब बटर मिल्क में भिगो दिया था, तो अभी मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाले और बना रही हूँ. तो अभी गुड नाइट करने का टाइम आ गया, मैंने मेरा स्किन केयर रूटीन कर लिया है, और अच्छी लग रही है ना मेरी स्किन, कुछ तो डिफरेंट दिख रहा है फेस पे मुझे भी, या मेरी आईज छोटी छोटी लग रही है क्या, कुछ अलग सा लग रहा है फेस. सो अभी हम लोग सोएंगे, टिमटिम थोड़ी सी पढ़ाई कर रही है मैथ्स, और हो सकता है आप लोगों को आवाज़ शायद अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि फ़ैन फुल स्पीड पर है, क्योंकि हम रात में एसी कूलर नहीं चला के सोते हैं. और आपको खराटे पापा सो रहे हैं, दिखा दो ना. नहीं नहीं नहीं, और खराटे की आवाज़ आ रही होगी, पापा सो गए. तो हम लोग जगे हुए हैं अभी, हम भी सोएंगे, हम
तीनों अभी साथ में, चारों इनफैक्ट साथ में ही सोते हैं। ब्लश भी इसी रूम में रहता है। टिप टिप को अभी उसके रूम में नहीं छोड़ रहे, मतलब नहीं कर रहे हम लोग अकेले, क्योंकि अभी ऐसा मतलब लाइफ बहुत ही अलग ही चल रही है, तो हम लोग रात में बहुत बातें करते हैं। जैसे आज तो ये सो गए, नहीं तो अदरवाइज हम तीनों लाइट्स ऑफ करके खूब सारी बातें, और टिमटिम को भी अच्छा लगता है हम लोगों के साथ सोती है, तो इसलिए अभी उसको उसके रूम में आई थिंक पास्ट 15 डेज अराउंड हो गए वो हमारे साथ ही सो रही है। उसको मज़ा आता था तो उसको यहीं पर सोना है, तो हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि यार आजकल बच्चे भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो उनका जिस चीज़ में मन लगता है वो चीज़ करना चाहिए। हाँ, पूरे टाइम उन्हें स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते, तो ऐसे ही कुछ भी जिस चीज़ में खुश है वो करो, ऐसा है। और वो यही नीचे मेरी स्लीपर के पास में, उसको मेरे स्लीपर्स पे ऐसे सर रख के सोना बहुत पसंद है। मुझे किसी ने बोला था कि उसके लिए बेड ले दो, उसके पास दो बेड्स हैं। हाँ, वो अपने बेड के ऊपर सोता ही नहीं है, उसके पास दो बेड्स हैं उसके साइज़ के ही, बट वो नहीं सोता है, तो मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ, उसके लिए खरीद नहीं रही हूँ। बेड खरीद लूँगी और फिर वो सोएगा नहीं, और गर्मी एक्चुअली इतनी है ना कि सारे डॉगीज अभी नीचे ही सो रहे हैं। मैंने मेरे एक आध फ्रेंड से भी बात करी जिनके पास डॉग्स हैं, बिकॉज स्पर्श में उनको ठंडक मिलती है ना, तो वो नीचे ही सोना पसंद करता है। और आप देखेंगे तो अपने फेवरेट टॉय को लेकर आया है और मेरी स्लीपर के पास में वो सो रहा है, तो उसको डॉग्स ही पसंद है। तो बस यही है अभी, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। और जब बड़ा हो जाएगा, अपने एक्चुअल साइज में आ जाएगा, उसके बाद उसके उस साइज का बेड मैं खरीदूंगी, बट अभी उसके पास फिलहाल दो बेड है और दोनों में से किसी में भी नहीं सोता है। एक तो टिमटिम के रूम में रखा हुआ है, एक हॉल में रखा है। हार्डली वो दिन में 2-3 मिनट के लिए शायद अपने बेड पर जाता होगा, थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए थोड़ा सा बैठता है और फिर उठ के हट जाता है, उसको गर्म लगता है मेनली। तो यही था, तो ये जो ब्लॉग है इसको मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और कल है हनुमान जयंती, तो मैं होपफुली न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो फिर मिल जाएगा आपको ब्लॉग। कल मैं लड्डू बाफले वगैरह बनाने वाली हूँ, क्योंकि हनुमान जी को उसका भोग लगता है, तो मैं कल का वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड हो रहा है, पसंद आया तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।